हाय फ्रेंड्स, मैं उर्मिला, आपका स्वागत है मेरे चैनल किचन कार्निवल में। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल किचन कार्निवल पे जो सब्सक्राइब का लोगो है, आप उसे सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको लिखा आएगा सब्सक्राइब, तो बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद ये दो लाइंस आएगी, तो मेरे जो भी नई रेसिपीज़ है आपको उसके अपडेट मिलते रहेंगे, और जैसे ही मैं नई रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ आपको मैसेज आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बंस। बंस आज हम प्लेन नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें वेजिटेबल्स और चीज़ का स्टफिंग करके मसाला बंस बनाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और कभी भी बच्चों का बर्थडे पार्टी है या किटी पार्टी या कोई भी फंक्शंस के लिए बनाना है तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़रूर बनाइए, सिर्फ देखिए मत, ये वीडियो देख के आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले ये 3/4 कप गर्म पानी लिया है, उसमें हम ईस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये मेरा छोटा चम्मच था तो मैंने हाफ हाफ दो टाइम ऐड किया है, और ये 1 छोटी चम्मच शहद। अब इसे मिक्स करके 2 मिनट रख देंगे। तब तक साइड में मिक्सिंग बाउल में 2 कप मैदा ले लेंगे, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और ये जो ईस्ट वाला मिक्सचर है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और स्पैचुला से मिक्स करेंगे। ये मिक्सचर थोड़ा मेरा लूज हो गया है, ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसमें थोड़ा फ्लोर ऐड करके वापस इसे गूंथते जाएंगे। परफेक्ट पाव बनाने का, बंस बनाने का यही तरीका है कि आप मिक्सर को थोड़ा लूज बनाएं, उसमें आटा ऐड करते जाएं और थोड़ा सख्त बना दें। अभी भी थोड़ा चिकना लग रहा है, थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर देंगे हम इसे। अब प्लास्टिक रैप से इसे कवर करके आधा घंटे के लिए कोई गर्म जगह पर रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। जब तक ये आटा फर्मेंट होता है तब तक हम सब्जियां बना लेते हैं। सबसे पहले पैन में 2 बड़े चम्मच बटर ले लिया है। अब ये बटर मेल्ट हो चुका है, इसमें कटी हुई गाजर ऐड करेंगे 1/4 कप, फंसी ऐड करेंगे 1/4 कप, कैप्सिकम 1/2 कप, 1/4 कप स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे इसमें, और इसे मिक्स कर लेते हैं। वेजिटेबल्स आप और भी ज़्यादा ऐड करना चाहें या कम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार इसमें, और पिज़्ज़ा सॉस है ये 2 टीस्पून ऐड कर देंगे। इसमें सब रहता है, चिली सॉस, सेजवान सॉस, सोया सॉस, तो और कुछ भी ऐड एक्स्ट्रा मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस ही ऐड करेंगे इसमें। और फाइनली धनिया ऐड करके ये स्टफिंग रेडी करते हैं, और 1-2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। अब हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है, और तब तक आटा भी फर्मेंट हो चुका है। देखिए साइज़ में भी डबल होके फूल गया है ये। अब इसे धीरे धीरे हल्का सा गूंद लेंगे, और थोड़ा आटा ऐड करके इसे थोड़ा सख्त बनाएंगे। जितना ही हम इसे गूंदेंगे इतना ही बंस फ्लफी बनेगा। अब फाइनली थोड़ा इसमें तेल ऐड करके इसे चिकना कर लेंगे ताकि हाथों में चिपके ना। अब सबसे पहले ट्रे में बटर लगा लेंगे। बटर से ग्रीस करेंगे तो इसमें लाइनन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये चिपकेगा नहीं इसमें। सबसे पहले डो बॉल लेके इसे ऐसे फ्लैट बना के इसमें प्लेस करना है। देखिए ऐसा शेप देना है ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर रहे, और इसमें स्टफिंग ऐड करना है, और ऊपर से चीज़ डालना है, और फिर यही आटे के डो बॉल को पोटली जैसा शेप देना है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है।
ऐसे ही सब प्रिपेयर कर देंगे और उसे बटर से ब्रश अप कर देंगे। मिल्क वॉश से भी आप इसे ब्रश कर सकते हैं। अब ओवन को मैंने प्री हीट करके रखा था 5 मिनट के लिए, उसमें हम 25 मिनट्स 175 डिग्री पे बेक करेंगे। देखिए थोड़े थोड़े पकते जा रहे हैं ये। राइट 25 मिनट्स में मेरे बंस रेडी हो गए हैं। अब हम इसे बाहर निकाल के ठंडा करेंगे। और इसे बटर से ब्रश कर देंगे। ये टॉप जो है नहीं तो थोड़े सख्त हो जाते हैं, बटर से ब्रश करने की वजह से ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। आप ऑयल और पानी को मिक्स करके भी इसे ब्रश कर सकते हैं। ट्रे को मैंने बटर से ग्रीस किया था तो देखिए ये कितने अच्छे से निकल रहे हैं आसानी से, और इसका शेप भी मशरूम या पोटली जैसा शेप भी बहुत अच्छा लगता है। आपको प्लेन राउंड शेप रखना है तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे चीज़ी मसाला बंस। इसे सॉस या चटनी के साथ सर्व करके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।